नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच तीखी बहस पर जाप प्रमुख पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर इससे बड़ा हमला नहीं हो सकता। पप्पू यादव ने बीजेपी और विपक्ष को बिना साठगांठ के अगले चुनाव में उतरने की चुनौती भी दे दी। मैडम एक बार आ जाती, एक ही टोका मैं बोला सुनिए। यदि कोई भूलचूक से कोई शब्द निकले हैं जो तरीके मुझे भी, मैं निंदा उस तरीके का निंदा करूंगा तो क्षमा मांगना गुनाह नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से प्रेशर दे करके के स्पीकर नहीं आएंगे और विपक्ष और सत्ता पक्ष में बीजेपी की भूमिका जितनी आत्मघाती और मतलब एक ऐसे विश्वास को खंजर भोंकना है, तो उससे दिखता है कि ये दोनों एक हैं। और अब सदन के नेता के लिए सरकार चलाना नीतीश जी के लिए कष्टप्रद होगा भविष्य में। इससे बेहतर है ऐसी सरकार चलाए, मिल करके चुनाव में जाए। जितनी सारी चीजें हैं, विधायपालिका, संविधान, हर व्यवस्था को ध्वंस करने में 8 साल में कोई कसर बीजेपी आरएसएस के लोगों ने नहीं रखा। लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा हमला नहीं हो सकता है। जो आज हम मार्केटिंग पैसे के ताकत के बदौलत और गुंडे लाठी और छल कपट और फरेबी के बदौलत हम लोकतंत्र के वोट को समाप्त करने जा रहे हैं, इसलिए आज एक बड़ी चुनौती है बिहार के लिए। और बीजेपी को हिम्मत है और विपक्ष को, तो कल साठगांठ से कोई सरकार न बने चुनाव में जाने की तो चलिए घोषणा करे विपक्ष और बीजेपी, लेकिन जिस तरीके से लगातार माफी मांगने की बात दोनों की मिली भगत आज उजागर हो गई कि बीजेपी और विपक्ष ये दोनों का राजनीतिक भागीदारी एक है और दोनों मिलकर सरकार गिराना चाहती।